और वो बहुत दरिया दिल थे, उनके पास जो भी आता उसको अता करते। नौबत ऐसी भी आई कि उन्होंने कर्जे उठा उठा के लोगों को माला माल किया। वक्त आखिर आना था तकाजा करने वाले आप। अब उन्हें यह फिक्र थी कि मैं अपने मेहमानों की खिदमत क्या करूं, क्योंकि जो अल्लाह वाले होते हैं उन्हें इस चीज का लिहाज और ख्याल होता है। हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जीलानी अलैह रहमा फरमाते हैं, आधी फकीरी भूखों को खाना खिलाना और नंगों को कपड़े पहनाना। हजरत बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, इट खड़के दुक्कड़ बच्चे तत्ता होवे चुल्ला, आन फकीर खाखा जावन राजी होवे बुल्ला। ये फकीर का मिजाज होता है, वो खिला के खुश होता है, उसका घर भी लुट जाए इसको उसकी परवाह नहीं होती, वो गनी होता है। और गिना का ताल्लुक दिल से है। शेख साजी फरमाते हैं, सखावत बदिलस ना बमाल, बुजुर्गी बअकलस ना बसाल। बुजुर्गी अकल से होती है, सालों से नहीं होती, और जो गिना है वो दिल से होती है, माल से नहीं होती। उन्हें ये फिक्र लाहिक थी कि ये मेरे मेहमान आए बैठे हैं, उनकी खिदमत करें। एक बच्चा हलवा बेचता थाली में रख के गुजरा और आवाज लगाई। बाबा जी ने कहा कि ये मेरे मेहमानों को खिला दो, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं। उसने शुक्र किया कि मैंने शाम तक बेचना था, एक लम्हे में मेरा काम बन गया, सारा मेहमानों को खिला दिया। कहा बाबा जी पैसे कहां बैठ गए। बच्चा बैठ गया, दो चार दस लम्हे गुजरे। उसने फिर कहा बाबा जी पैसे। कहा इन सब ने पैसे लेने, जब इन्हें दूंगा तुम्हें भी दे दूंगा। बच्चे ने जब ये सुना तो उठ के रोना शुरू कर। उसने कहा कि बाबा जी मेरी मां मेरे इंतजार में बैठी और मैं यतीम बच्चा हूं, मेरे घर का चूल्हा सिर्फ इसी पे जल रहा है और तू मेरे पैसे रोक के बैठ गए। बच्चे ने जारों के तार होना शुरू कर दिया। बच्चा रोया, अल्लाह की रहमत को जोश आया। और कोई शख्स अशरफियों की थैली लेकर बाबा जी की खिदमत में नजर पेश करने आया। उन्होंने जितना भी तकाजे करने आए थे सबका कर्ज चुका दिया, बच्चे का भी कर्ज चुका दिया। जो कर्ज था तो उन्होंने कहा बाबा जी हम इतनी देर के बैठे हैं और कोई नजराना नहीं आया था और ये अभी आया है और काम बन गया। हमारे तुम्हारे अंदर इतनी देर से कोई रोने वाला नहीं था, एक रोने वाला आया तो बाकियों का भी काम बन गया। तो जब दुआ मांगे तो तदव्वो और जारी के साथ दुआ। अल्लाह गुनागार की आंख से बहे हुए आंसुओं की लाज रखता है, वो देखता है कि मेरा बंदा किस अंदाज से मुझे पुकार रहा है। जब भी दुआ मांगे कबूलियत का यकीन करके दुआ।